मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी आयरन गोलम, और मेरे को जितने भी विलेज हैं इस पूरी दुनिया में उन सबको मॉब से और उनके डेंजर से बचाना है, और वहीं कहीं बहुत दूर 100 डेज के अंदर मेरा सीक्रेट वेपन कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपनी आर्मी के साथ इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। पर आखिरकार मैं इतने सारे विलेजेस को अकेला बचाऊंगा कैसे? मैं तो एक लोता आयरन गोलम हूँ। डे 2 को मैं उन विलेजेस को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ जिनको मेरी मदद की जरूरत है, और तभी मैं एक विलेज के पास आता हूँ जहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स ने अटैक कर रखा था, और मैं उधर जाके उनको बचाने का ट्राई करता हूँ। भाग जाओ स्पाइडरों यहाँ से, ये ले। और जब मैं उन्हें मार रहा था तो वो हवा में उछल जा रहे थे, क्योंकि मैं एक आयरन गोलम हूँ तो मैं सबको नॉक बैक दे पा रहा हूँ, और थोड़ी देर में मैं उन सारे स्पाइडर्स को मार देता हूँ। और वहाँ के जितने भी विलेजर्स थे वो सब मेरे से खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। तुम्हारे विलेज का गोलम कहाँ चला गया? वो यहाँ पर क्यों नहीं है तुमको बचाने के लिए? अरे भैया, हमारे विलेज के गोलम पे तो प्लेजर किंग ने जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चला गया। वो पता नहीं अब कैसे उठेगा। आप ट्राई करो, शायद आप उसे उठा पाओ। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। और मैं उसके पास जाके एक जादू का मंत्र बोलता हूँ जिससे वो उठ जाता है। अंडी मंडी संडी, अगर तू नहीं उठा। अरे भैया उठ जा उठ जा, कहोगे कहोगे। और वो जो गोलम था वो थोड़ी सी देर में उठ जाता है। कहाँ गया वो प्लेजर किंग जिसने मेरे को मार के सुला दिया था? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे मिलूंगा तो। क्या तुम वो जिसने ये जादू तोड़ा है? हाँ, वो जादू मैंने ही तोड़ा है, और तुम अब अपने विलेज को डिफेंड कर सकते हो इन मॉन्स्टर्स से। हाँ, इनकी वो जादू तोड़ने के लिए। अगर तुम्हें आगे कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो याद करना मेरे को, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस चैनल का सब्सक्राइब कर देना। डे 3 को उन सबकी मदद करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ ताकि मैं बाकी विलेजेस की भी मदद कर पाऊँ। तभी एक प्लेजर आता है मेरे सामने। एक छोटा आयरन गोलम, तुम मेरे साथ चल रहे हो? कभी भी नहीं। और मैं उससे लड़ने की कोशिश करने लगता हूँ ताकि मैं उससे बच पाऊँ, पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी देर में बेहोश कर देता है एरो मार के। और जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं एक प्लेजर आउटपोस्ट पे आ चुका हूँ, और मैं केज के अंदर हूँ, और मेरे सामने प्लेजर किंग खड़ा हुआ है। तेरे जैसी लोहे की रॉड क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तेरे को रोकने वाला हूँ, तू जो भी कर रहा है मैं उस सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा सिर्फ तुझे लगता है? अपना साइज देख के तो बात कर, बिट्टी कहीं का। थोड़े टाइम में मेरा हथियार तुम सबको मार देगा, मारो इसे। और प्लेजर किंग मेरे को मारने का ऑर्डर दे के चला जाता है, और मुझे लग ही रहा था कि मेरा खेल खत्म हो गया है अब बस। और तभी जाने दो उसे। और फिर वो उन प्लेजर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और वो बहुत ही आराम से उन सबको मार पा रहा था। उस पर बहुत सारे प्लेजर्स एक साथ हमला कर रहे थे, पर फिर भी वो बहुत आराम से उन सबको मार रहा था। और थोड़ी देर में वो सबको मार देता है, और वो मेरे को फ्री करने आता है। तभी उसके पीछे से एक प्लेजर आकर अटैक कर देता है, फिर वो गोलम उसे मार देता है और मुझे प्रिजन से बाहर निकाल देता है, और हम दोनों वहां से भाग जाते हैं। डे 4 से 7 पर हम एक हाइडिंग स्पॉट पे चले जाते हैं ताकि हम उन प्लेजर से छुप सके। थैंक यू मेरे को बचाने के लिए। काश मैं हमेशा सबको बचा पाता, पर उस प्लेजर ने मेरे को बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से मारा, शायद मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हारे जितना पावरफुल बन सकता हूँ? मैं उस प्लेजर किंग को मारना चाहता हूँ। तुम एक बेवकूफ हो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम उसे मार सकते हो तो। पर मैं बिना लड़े हार नहीं मान सकता। तो फिर मैं तुमसे एक ही चीज बोलूंगा, तुम बाकी गोलम्स की हेल्प लो उसे मारने के लिए, वो भी अपने विलेज को बचाना चाहते हैं। और तभी वो जो आर्मर्ड गोलम होता है वो मर जाता है, पर वो मरते मरते एक चीज ड्रॉप करता है, और मैं जैसे ही उसे उठाता हूँ मेरा साइज बढ़ जाता है, और अब मेरे पास 30 हर्ट्स है। 8 से 10 पर मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं अपना घर बनाऊँ अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मैं उसके लिए जाकर वुड इकट्ठी करनी स्टार्ट कर देता हूँ, और वुड इकट्ठी करने के बाद मैं उससे टूल्स बना लेता हूँ, और उनको बनाने के बाद मैं जाके कुछ कॉबल स्टोन और कुछ और वुड्स इकट्ठी कर लेता हूँ ताकि मैं अपना बेस बना पाऊँ, और फिर मैं अपने बेस पे वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। और थोड़ी सी देर में मेरा कुछ लगभग बेस जो होता है वो कम्प्लीट हो जाता है, और ये करने के बाद मैं किसी और विलेज की मदद करने के लिए निकल जाता हूँ। और जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है तभी मुझे एक विलेज दिखता है, और मैं उधर जाके उनकी प्रॉब्लम पूछने लगता हूँ उनसे। अरे पता नहीं भैया, कोई हमारे क्रॉप्स चुरा के ले जाता है, जरा देखना कौन है वो, देना उसको 2-3 टपली। अच्छा तो आज मैं यहीं रुकता हूँ और उसे पकड़ने का ट्राई करता हूँ। 11 से 14 तक मैं वहीं रुकता हूँ ताकि मैं उस क्रॉप चोर को ढूंढ पाऊँ, और तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, तो मैं उस आवाज के पीछे जाने लगता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई छोटा सा भाग रहा होता है, तो मैं भागते हुए उसके पीछे जाता हूँ ताकि मैं उसको पकड़ पाऊँ। वो बहुत तेजी से भाग रहा था और ट्रीज के अराउंड चक्कर मार रहा था ताकि वो मेरे से भाग पाए, और मुझे लगा मैंने उसे पकड़ ही लिया, पर अरे कहाँ चला गया वो, अभी तो यही था, ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकता है, कहाँ पर छुपा है तू? और तभी मेरे सर पर कुछ गिरता है, और मैं देखता हूँ ये तो कैरेट है, और जैसे मैं ऊपर देखता हूँ मुझे एक कॉपर गोलम दिखाई देता है जो कि वहाँ पर ऊपर बैठ के गाजर चबा रहा होता है। अबे नीचे है, वो तेरा नहीं है। मुझे माफ कर दो, प्लेजरों ने मेरा घर तबाह कर दिया है जिसकी वजह से मेरे पास अब कुछ और नहीं है खाने को, इसलिए मुझे ये खाना पड़ रहा है। अरे ऐसा हुआ है क्या? चलो अगर तुम प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। क्या सच्ची तुम ऐसा करोगे? ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेन गोजो कोपर है। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें गोजो बुलाऊंगा।
और फिर मैं गोजो के साथ अपने बेस पर वापस चला जाता हूँ और उसके लिए घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और थोड़ी देर में मैं उसका घर बना देता हूँ जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, प्लम भी थैंक यू। डे 15 से 18 तक मैं और भी ज्यादा गोलम्स को ढूंढने चला जाता हूँ ताकि मैं उनसे हेल्प ले पाऊँ। और ढूंढते ढूंढते मुझे एक विलेज दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर रखा था। ऐसा लग रहा है यहाँ तो जितने भी विलेजर्स थे वो सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। और तभी वहाँ पे एक आयरन गोलम आ जाता है जो वहाँ पे उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा था। मुझे शायद इसकी मदद करनी चाहिए। प्लीज इनको हर्ट मत करना, ये मेरे लोग हैं। पर मुझे लग रहा है इनको हर्ट करे बिना तुम्हें बचाना मुश्किल है। प्लीज, मेरे को पता है इनको कैसे ठीक करा जा सकता है। और उसकी बात मानते हुए मैं वो जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सबको एक जगह पर कैप्चर करने का सोचता हूँ। और मैं उनके साथ वैसा ही करता हूँ, उनको एक जगह कैप्चर कर देता हूँ और सन से प्रोटेक्शन के लिए एक रूफ भी बना देता हूँ। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। मेरा नाम कामा है। तो मेरा नाम प्लम्पी है। बाय द वे, तुम कुछ इनको क्योर करने की बात कर रहे थे, वो बताओ मेरे को। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इनको क्योर करने के लिए पोषण बना के दे सकता है। वो यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक है। ठीक है, तो फिर मैं उससे दवाई लेने जा रहा हूँ। और तुम अपने विलेजर्स का ध्यान रखो। इतने तुम ये मैप अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगा। और वो मैप लेके मैं उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। 19 से 21 तक मैं उस डॉक्टर को ढूंढता हूँ। और ढूंढते ढूंढते उसे मैं एक जगह पर पहुँचता हूँ जहाँ पर मुझे एक आयरन गोलम दिखाई देता है। क्या तुम वही डॉक्टर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? घुसपैठियो। और देखते ही देखते वो मेरे पे अटैक कर देता है और मेरे मुंह पर एक घूसा मार देता है। क्या, पर क्यों? मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ तुमसे। सब राजा की बात सुनेंगे। क्या, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कुछ हो गया है। और वो दोबारा से मेरे पे चार्ज कर देता है और वापस से मेरे साथ लड़ाई करने लगता है। पर मैं उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि वही एक लौता चांस है हमारे पास विलेजर्स को बचाने के लिए। आखिरकार इसे हो क्या गया है? और उसे पीटते टाइम मैं देखता हूं कि उसके पास से एक पोषण बाहर गिर जाता है। तो मैं उसको जल्दी से उठा के वहां से भागना स्टार्ट करता हूं। निकल लो भाई, इससे पहले ये मेरे को पकड़े। विलेजर किंग हमको रास्ता दिखाएंगे। और मैं गामा के पास जाता हूँ और उसे सब कुछ बताता हूँ जो भी कुछ हुआ वहाँ पे। नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, ये पक्का उस प्लेजर का करा धरा है। क्या तुम कह रहे हो, प्लेजर सबके माइंड पे कंट्रोल कर रहा है? डे 22 से 24 तक मैं उन सब विलेजर्स को क्योर करता हूँ। अरे वाह, ये काम कर गया। थैंक यू प्लम्फी हमारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें गिफ्ट में ये देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी आगे की जर्नी में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। थैंक यू गामा। ये जो मैप है ये तुम्हें एक बहुत बड़ी सिटी की ओर लेके जाएगा जहाँ पर एक पावरफुल गोलम रहता है और वो तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हारी आगे वाली जर्नी में। बहुत बढ़िया। और वो मैप मिलने के बाद मैं वो विलेज छोड़ देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। पर अब मेरी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो प्लेजर किंग है वो सब पे माइंड कंट्रोल का यूज कर रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं अपने आगे की तैयारी करता हूँ और जाके एक आयरन की पिकेक्स बनाता हूँ और फिर मैं कुछ डायमंड्स ले लेता हूँ, उसके बाद एक डायमंड की पिकेक्स भी बना लेता हूँ। डे 25 से 27 तक मैं वो विलेज ढूंढने लगता हूँ जिनको मेरी जरूरत है। और तभी मैं एक विलेज के पास आता हूँ और वहीं पर मुझे एक आयरन गोलम दिखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या हुआ है यहाँ पे? मैं इस विलेज का आयरन गोलम हूँ और मेरा विलेज पर एक बंदा हमला करने आता है रोज सुबह और यहाँ आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी उसको हराने में मदद करूंगा। और फिर बाद में मैं उनके विलेज को रिपेयर करने लगता हूँ ताकि वो पहले जैसा दिखने लगे। और फिर नया दिन शुरू हो जाता है और तभी मेरे को एक जोर से ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। तो मैं वहाँ जाने लगता हूँ जहाँ से वो ब्लास्ट की आवाज आई थी और मैं वहीं पर देखता हूँ एक TNT गोलम सब पे अटैक कर रहा था। राजा की जय हो। बूम बूम। ओए रुक जा, मैं तेरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। पर मेरे उसको मनाने के बावजूद भी वो माना नहीं और उसने चार्ज कर दिया मेरे तरफ अटैक करने के लिए। और हम दोनों फाइट में एंगेज हो जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत मार रहे होते हैं। वो मेरे ऊपर अपने TNT से अटैक कर रहा होता है और मैं भी उस पर अटैक कर रहा होता हूँ। वो जितने TNT हो सकते थे मेरे पे फेंक रहा था और मैं पूरी कोशिश कर रहा था उनसे बचने की और मैं भी उससे फाइट कर रहा होता हूँ। तुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तू ये क्या कर रहा है? मुझे अब तेरे को रोकना ही पड़ेगा कुछ भी करके। क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे क्या तू ठीक है? क्या हो गया तेरे को? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को लास्ट चीज जो ध्यान आ रही है वो एक प्रोटोटाइप, उसने मेरे दिमाग पे काबू कर लिया था। आगे बढ़ो। बाहर आ प्लेजर किंग और मेरा सामना कर। बहुत पावरफुल है ना, अब तू मेरा गुलाम बनेगा। राजा की जय हो। क्या तू कह रहा है कि मतलब जो एक प्रोटोटाइप है सिर्फ वो गोलम्स के दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है? हाँ यही सच है। अगर प्लेजर किंग अपना वेपन कंप्लीट कर लेगा तो जितने भी आयरन गोलम्स है वो सब उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। ये तो बहुत बुरा होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। थैंक यू मेरे को उसके कंट्रोल से छुड़वाने के लिए। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा आगे। ओह थैंक यू, मुझे पता तो नहीं है क्या है पर होप ये काम आए मेरे आगे। डे 32 से 34 तक
मैं उस सिटी की तरफ ट्रेवल करता हूँ जहाँ का मुझे गामा ने मैप दिया था, और थोड़ी देर में मैं उस सिटी तक पहुँच जाता हूँ। और वो सिटी पूरी डायमंड की बनी हुई थी। ओ, कितनी बड़ी सिटी है भाई ये। और फिर मैं उसके गेट की तरफ जाने लगता हूँ, और जैसे ही मैं उसकी गेट की तरफ जाता हूँ, रुको, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। पर क्यों, मैं आगे क्यों नहीं जा सकता? तुम्हें अगर आगे जाना है तो तुम्हें एक डायमंड का बैज चाहिए। सिर्फ वो जिनके पास वो डायमंड बैज होता है वही अंदर जा सकते हैं। पर मेरे लिए अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम मुझे सही लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पास उन पीसेस का एक पीस है, और तुम बाकी भी जमा कर सकते हो बाकी विलेजेस की हेल्प करके। क्या, मेरे पास एक पीस है उसका? पर कैसे? तुमने किसी की मदद करी थी और उसने तुम्हें वो पीस दिया है। अरे हाँ, मुझे याद है, मेरे पास ये पीस है। तो मुझे ऐसे ही बाकी पीसेस भी ढूंढने हैं इसके। ठीक है, मैं ये करूंगा और फिर आऊंगा। डे 35 से 38 तक मैं अपने घर वापस जाता हूँ और अपने घर को अपग्रेड करने का सोचता हूँ। और मैं अपने बेस को आयरन से अपग्रेड करता हूँ, और उसके बाद उसके अराउंड वॉल्स खड़ी कर देता हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाए पहले से। और जैसे ही मैं काम खत्म करता हूँ, गोपाल मेरे पास आता है। यहाँ पर एक पास में प्लेजर आउटपोस्ट देखा है मैंने। क्या, मुझे उसे जाके अभी रोकना पड़ेगा। डे 39 से 41 तक मैं उस प्लेजर आउटपोस्ट पे जाता हूँ, और मैं जाकर देखता हूँ उन्होंने एक विलेज को तबाह करके वहाँ पे अपना एक प्लेजर आउटपोस्ट बना लिया है। हाँ, मैं इस विलेज को टाइम पे नहीं बचा पाया, और मुझे पता था विलेज खत्म हो चुका है, पर उसके बाद भी मैं इनसे लड़ने चला जाता हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेजर आउटपोस्ट भी नहीं चाहिए था इधर। और मैं जाकर उनसे फाइट में भिड़ जाता हूँ, और मैं उनके घूसे घूसे मार के उनको हवा में उड़ा उड़ा के पीट रहा था। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बेकसूर लोगों को मारने के लिए। और वहां पर जितने भी प्लेजर थे मैं उन सबको थोड़ी सी देर में पेल लेता हूँ, और तभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेजर आ रखा होता है, और वो मेरे पे अटैक कर देता है। और मैं अपने आप को बचाने के लिए अपनी जॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं भी उस पर अटैक करता हूँ, और फिर हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान फाइट होती है, और मैं भी उसको धर के पीटता हूँ और वो भी मेरे को धर के पीटने की कोशिश करता है, पर एट द एंड मैं उसे मार देता हूँ। और उन सब प्लेजर्स को मारने के बाद मैं वहाँ पे सर्वाइवर्स की तलाश करने लगता हूँ, और तभी मेरे को एक विलेजर की फैमिली मिलती है जो कि वहाँ पर छुप के बैठी हुई थी। क्या अब हम बाहर आ सकते हैं? हाँ, तुम बाहर आ सकते हो, पर ये विलेज बहुत पहले खत्म हो चुका है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आके रह सकते हो। आपके साथ आके रहेंगे। उसके बाद मैं अपने बेस पे जाके उनके लिए एक अलग से घर बना देता हूँ। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, ये लो। ये क्या है? ये पार्ट हमारे आयरन गोलम का है, वो जब मरा था तो उसने ये ड्रॉप कर दिया था। वो यहाँ होता तो वो भी तुम्हें ये देना चाहता। और मैं उसके लिए उन्हें थैंक्स बोलता हूँ, और थोड़ी देर में वो जो अपग्रेड होता है वो गायब हो जाता है, और मेरे 10 हार्ट बढ़ जाते हैं। डे 42 से 45 तक मैं सोचने लगता हूँ कि जो वो डॉक्टर गोलम है वो अब तक उसके कंट्रोल में है, तो मैं उसे बचाने के लिए जाऊँ। फिर मैं उस जगह चला जाता हूँ जहाँ पे वो मुझे मिला था, और तभी मैं देखता हूँ वो जो डॉक्टर था वो सारे जानवरों को मार रहा था, और वहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा था अपना। सारे धोखे बाज मरेंगे। और तभी बिना कुछ सोचे समझे वो मेरे पर भी अटैक कर देता है, तो मैं भी उससे फाइट में भिड़ जाता हूँ, और फिर हम दोनों की बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट होने लगती है। वो भी मेरे को मार रहा था और मैं भी उसे मार रहा था, हम दोनों की पावर एकदम सेम थी, इसलिए पता नहीं लग रहा था कि कौन जीत रहा है। पर मेरे पास एक एडवांटेज था, मेरे पास मेरी जॉर्ड थी, तो मैं उसे अपनी जॉर्ड से मारना स्टार्ट करता हूँ, और उसके भरने स्टार्ट कर देता हूँ पूरे तरीके से। और थोड़ी देर बाद मैं उसे अपनी एक्स से मारना स्टार्ट कर देता हूँ, और वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं उसे थोड़ी देर और मारता तो वो मर जाता, पर तभी एक मिरेकल होता है, और जो वो डॉक्टर गोलम था वो उस प्लेजर किंग के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। मुझे माफ करना दोस्त, प्लेजर किंग ने मेरे पे। मैं समझ गया, पर ये चीज जो है वो हाथ से बाहर निकले जा रही है, तो हमें इसका कुछ करना होगा। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं इसके लिए एक क्योर बना सकता हूँ जिससे जो भी कंट्रोल में होगा वो उसके कंट्रोल से बाहर आ सकता है। अच्छा आइडिया है। उसके बाद मैं अपने बेस का मैप डॉक्टर गोलम को दे देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। डे 46 से 48 मैं अपने घर जाना जारी रखता हूँ, और तभी रास्ते में मेरे को एक पिगलिंग नजर आता है। क्या, नेदर वाला गोलम भी पागल हो गया है? और मैं उसके साथ नेदर पोर्टल में चला जाता हूँ, और हम एक बैस्टियन में जाते हैं जहाँ पर वो जो पिगलिंग गोलम था वो आतंक मचा रहा था। रुक जा, इससे पहले मुझे तेरे को मारना पड़े, मैं सब खिचक में बना दूंगा। बाकियों की तरह ये गोलम भी पागल हो चुका था, और ये सबको मारे जा रहा था, और ये मेरे पर भी चार्ज कर देता और मेरे से फाइट करने लगता है। और फिर हम दोनों फाइट में एंगेज हो जाते हैं, और एक दूसरे को चट चाटे भरने लगते हैं। मैं उस बड़े गोलम को हवा में उड़ा उड़ा के मार रहा था, और अपनी जॉर्ड से भी उसे मार रहा था, और वो भी मेरे को भरे जा रहा था। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैं उसको नॉकआउट कर देता हूँ, पर मुझे पता था ये अभी भी माइंड कंट्रोल में हो सकता है, तो मैं उसे जल्दी से एक दीवार बना के उसके अंदर बंद कर देता हूँ। और जब गोलम होश में आता है तो वो ट्रैप्ड होता है। क्या ये इसके अंदर ठीक रहेगा? हाँ, ये इसके अंदर ठीक रहेगा, और मैं जल्दी ही क्योर लेके आऊंगा ताकि हम इसे बचा पाए। और तभी वो जो पिगलिंग होता है वो मेरे को बैच का एक और हिस्सा दे देता है। डे 49 से 52 पर मैं अपने घर होता हूँ, तभी प्लेजर किंग मेरे घर आता है। तू यहाँ क्या कर रहा है?
तू मेरे रास्ते में कांटे की तरह आए जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तेरे से एक बार मिल लिया जाए। तुझे चाहिए क्या? मैं चाहता हूँ तू मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर दे। नफरत करता हूँ मैं तुम सब कोलम से। तुम हमेशा हम प्लेजरों को परेशान करते हो, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और जैसे ही मेरा वेपन कंप्लीट होएगा, मैं तुम सब कोलमों को खत्म कर दूंगा इस पूरी दुनिया से। तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुझे रोकूंगा। तभी तो मैं तेरे को रोकने आया हूँ। और तभी वो किंग एक नेदराइट गोलम को समन कर देता है मेरे सामने। मजे कर मेरे खिलौने के साथ खेल के। जो किंग होता है वो भाग जाता है, और जो नेदराइट गोलम होता है वो मेरे पे अटैक कर देता है पूरी स्पीड के साथ। नहीं रुक, मैं तेरे साथ लड़ाई करना नहीं चाहता। वो गोलम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा था और मेरे पर अटैक करे जा रहा था। वो अब एक अच्छा गोलम नहीं बचा था, अब वो एकदम पपेट बन चुका था उस राजा का। मुझे अपने घर को बचाना होगा। आई एम सॉरी, मुझे तेरे को मारना होगा। और मैं उस पर अटैक करना स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी एक्स से उसे मार रहा था, पर उसकी जो शील्ड थी उसकी वजह से वो बच रहा था बहुत हद तक। पर मैं अपनी नॉकबैक एबिलिटी से उसको मार पा रहा था। और फिर मैं अपनी पूरी पावर एक करके उस पर आखिरी हिट मारता हूँ और वो वहीं पर डाउन हो जाता है। क्या उसका माइंड कंट्रोल और ज्यादा ताकतवर हो गया है? डे 53 से 55 पर मैं अपने घर को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के पीछे पड़ जाता हूँ और उसकी वॉल्स जो होती है उसके ऊपर एक और लेयर लगाता हूँ। मेरे को कुछ मिला है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर गोजो मेरे को बहुत सारे कैमरास वगैरह देता है जो कि प्रोटेक्शन में मदद करेंगे मेरे बेस की। गोजो तुम ये सब कुछ कहाँ से लाए? मेरे को एक्चुअली आदत है ये सब इकट्ठा करने की, वहीं से मैंने ये सब इकट्ठा करा। फिर ये जितनी भी हाईटेक चीजें होती है मैं इनके लिए एक अलग से रूम बनाता हूँ और ये सब अपने बेस पर लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं उन सब विलेज पे विजिट करता हूँ जहाँ पर मैं आज तक गया हूँ, और उधर भी मैं कैमरा लगा देता हूँ ताकि मेरे को उन सब की भी जानकारी मिलती रहे। और जब मैं वापस अपने बेस जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर गोलम दिखता है। क्या तुमने इतनी जल्दी वो क्योर बना भी लिया? नहीं, मैंने अब तक क्योर नहीं बनाया, पर बाहर चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही हैं। क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं डॉक्टर गोलम का भी रूम सेट कर देता हूँ ताकि वो वहाँ पे आराम से रह पाए। डे 56 से 59 पर मैं और विलेजेस को ढूंढने लगता हूँ जिनको मेरी मदद की जरूरत है। और तभी मैं एक विलेज के पास आता हूँ जो कि पूरा क्रीपर से भरा हुआ था और वहाँ पर बस क्रीपर रहते थे। हेलो क्रीपर दोस्त। और उस क्रीपर के फटने के बाद मुझे पीछे से कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, और जैसे मैं मुड़ के देखता हूँ वो उस विलेज का गोलम था जो कि मेरे पर अटैक करने वाला था। सॉरी पर मैं एक्चुअली। और तभी कोबलस्टोन गोलम ब्लास्ट हो जाता है पर मेरे को डैमेज नहीं होता, और वो वापस से रीग्रुप होने लगता है ताकि वो मेरे पर दोबारा अटैक कर पाए। और वो बार बार एक्सप्लोड हो रहा था ताकि वो मेरे को भगा पाए या फिर मार पाए। पर मुझे वहां से भागना था तो मैं उसके जितने भी छोटे छोटे पीसेस थे उन पर अटैक करना स्टार्ट करता हूँ और एक एक करके उनको खत्म करने लगता हूँ। और धीरे धीरे करके मैं उन सारे पीसेस को खत्म कर देता हूँ। जब मैं उसके आखिरी पीस को खत्म करता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ के जितने भी विलेजर्स थे वो मेरे पास आ रहे थे मेरे को अटैक करने, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ता है और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। डे 60 से 63 तक मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ और जो डॉक्टर गोलम होता है वो वहाँ पर मेरा वेट कर रहा होता है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया पोशन बनाया ताकि तुम उसे टेस्ट कर पाओ, और मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला जो पोशन है ये उसका माइंड कंट्रोल हटा सकता है। क्या सच में ये काम करता है? मैं अभी कुछ पक्का नहीं बता सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इसको मेरे लिए टेस्ट करके आओ। तो मैं नेदर के गोल्ड गोलम के पास जाने का सोचता हूँ ताकि मैं उससे माइंड कंट्रोल हटा पाऊँ। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ जो गोल्ड गोलम था वो अब तक माइंड कंट्रोल के अंदर था, और मैं उस पर वो क्योर यूज करता हूँ और वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। और मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको इसके केज से बाहर निकाल दूँ, और जैसे ही मैं उसका केज खोलता हूँ वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओ भाई ये क्या हो गया? राजा के जाओ। और तभी वो मेरे को चेस करना स्टार्ट कर देता है और चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही होती है। तभी मैं देखता हूँ वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। क्या तुम अभी भी राजा के गुलाम हो? नहीं, वो वाला इंसान मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका मतलब तुम ठीक हो गए? थैंक यू मेरे को बचाने के लिए, अब मैं अपने विलेज को वापस से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। डे 64 से 66 तक मैं अपने बेस पे वापस जाता हूँ ताकि मैं डॉक्टर गोलम को बता पाऊँ कि क्या हुआ। तो आखिरकार उसने काम कर ही दिया और डॉक्टर गोलम वापस से काम पे लग जाता है। और तभी गोजो मेरे पास आता है। प्लम्बी, मैं तुमको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। और जस्ट मैं उसे फॉलो कर ही रहा होता हूँ तभी मैं देखता हूँ प्लेजर किंग वहाँ पे आ जाता है। तुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ तू मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर दे। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं तेरे को हरा नहीं देता मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर तू मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ता है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और प्लेजर किंग अपना प्रोटोटाइप निकाल के गोजो के ऊपर यूज कर देता है और गोजो जो है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। राजा की जय हो। और वो मेरे पे अटैक करने लगता है पर मैं बिल्कुल भी उसको हिट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। जहाँ भागना है भाग, तेरा भी यही हाल होगा। डे 67 से 70 तक मैं अपने घर जाता हूँ और डॉक्टर गोलम को बताता हूँ जो भी कुछ हुआ। मैंने तुम्हें मेरे पास जितना भी एंटीडोट था वो दे दिया है, अब तुम्हें और वेट करना पड़ेगा अगर और एंटीडोट चाहिए तो। मैं वेट करने लगता हूँ और सोने चला जाता हूँ।
डे 71 से 74 तक मैं वापस से डॉक्टर गोलम के पास जाता हूँ और उन्होंने एंटीडोट बना के रेडी कर दिया था, तो मैं उसको लेके गोजू को बचाने चला जाता हूँ। और थोड़े ही समय में मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ जहाँ पे वो था, और मैं वहाँ जाके सब जितने भी वहाँ पर प्लेयर थे उनसे फाइट करने लगता हूँ उसको बचाने के लिए। और वो बहुत सारे थे पर फिर भी मैं उन्हें मारे जा रहा था, पर वो भी मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे। और जब मैं उनको मार रहा था तभी जो गोजो था वो जितने भी प्लेजर्स थे उन पर आतंक मचाया जा रहा था अपना, और थोड़ी देर में मैं जितने भी प्लेजर होते हैं उनको मार देता हूँ और फिर मैं गोजो के पास चला जाता हूँ। गोजो होश में आ, मैं प्लम्पी हूँ। पर वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, तो मुझे उससे फाइट करनी पड़ रही थी और हम दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो भी मेरे को मार रहा होता और मैं भी उस पर अपनी नॉकबैक एबिलिटी का यूज कर रहा होता, पर उस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो मेरे को डैमेज दे ही रहा होता है कुछ भी करके। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, तो मुझे उसके ऊपर अपना जो क्योर था वो फेंकना ही पड़ता है। और तभी वो वहीं की वहीं रुक जाता है। डे 75 से 77 तक गोजो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। क्या मैं कहाँ पर हूँ प्लम्फी? गोजो तू ठीक हो गया? और उसके बाद हम दोनों घर चले जाते हैं। और जैसे ही मैं घर जाता हूँ मैं अपने बेस को और ज्यादा सिक्योर बनाने का सोचता हूँ और उसमें काम करने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर में मैं अपना सुपर हाई सिक्योरिटी बेस तैयार कर लेता हूँ और मेरा काम फिनिश हो जाता है। और तभी डॉक्टर गोलम मेरे पास आता है। मैं अभी भी अपने क्योर पे काम कर रहा हूँ, तब तक के लिए तुम ये ले लो, ये तुम्हारी पावर्स बढ़ा देगा। और जैसे मैं वो पीता हूँ मेरे 10 और हार्ट बढ़ जाते हैं। ओह थैंक यू। डे 78 से 81 तक मैं और ज्यादा विलेजेस को ढूंढने लगता हूँ जिनको मेरी हेल्प की जरूरत होगी, और मैं स्नो बायोम में होता हूँ उस टाइम। और तभी मुझे बहुत सारे पंपकिंस दिखाई देते हैं, तो मैं आगे की साइड जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्नो गोलम एक म्यूटेंट स्नो गोलम के सामने सर्कल बना के खड़े थे। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? हमारा गोलम हमें प्लेजर किंग के बारे में बता रहा है कि हम कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं। पर प्लेजर किंग तो बहुत ज्यादा बुरा है बे। नहीं, हमारा म्यूटेंट गोलम कभी भी हमारी सिटी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, कोई उसे माइंड कंट्रोल करवा के ये सब कुछ करवा सकता है। ओ अच्छा, उसके बारे में। और तभी जितने भी गोलम्स होते हैं वो मेरे को देखने लगते हैं और वो मेरे पे अटैक कर देता है, और अपने स्नो गोलम्स के साथ वो मेरे पे बार बार अटैक कर रहा होता है। मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ जिसके चक्कर में मुझे उसके जितने भी गोलम होते हैं उन पर अटैक करना पड़ता है रिटर्न में। और बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद जो म्यूटेंट स्नो गोलम होता है उसे होश आ जाता है। अरे मैं ये क्या कर रहा था, मुझे माफ करना, ये लो इसके बदले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और वो मुझे डायमंड बैज का एक और पीस दे देता है। डे 82 से 84 तक मैं एक और विलेज जाता हूँ वहाँ पर पूछने के वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ पर भी प्लेजर किंग ने हमला करा था? अरे बहुत आरामी है वो, हमारे विलेज में आके बोलता कि तू लायक ही नहीं है मेरी टीम में आने के लिए, पर मेरी बेइज्जती करके चला गया। मैं चाहता हूँ तुम मेरा बदला लो उससे, और उसके मुंह पे दो चमेट मेरी तरफ से मारना। ठीक है। डे 85 से 88 पर जब मैं घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ प्लेजर किंग मेरा वेट कर रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता चला कि तूने अपने दोस्त को मेरे यहाँ से छुड़ा लिया है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हमेशा से तेरे को अपना नौकर बनाना चाहता था। तू बार बार यहाँ क्यों आ रहा है? मैं तेरे लिए कभी भी काम नहीं करने वाला। मेरा वेपन वैसे भी कम्प्लीट होने वाला है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मरने से अच्छा मेरे लिए काम करे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तेरे लिए कभी काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। ठीक है, मर फिर। और तभी एक बड़ा सा फर्नेस गोलम वहाँ पे आ जाता है और उसका फेस पूरा रेड होता है और वो मेरे से फाइट करने लगता है। पहले मैं उस पर अपनी जॉर्ड से अटैक करता हूँ पर वो थोड़ी सी देर में टूट जाती है। उसके बाद मैं अपनी एक्स निकाल के उस पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ, पर जो वो फर्नेस गोलम था वो भी मेरे पर अटैक करे जा रहा था और मेरे को वो पंच मार रहा था जिस पंच से मेरे को फायर का डैमेज भी हो रहा था। मैं उसको मारने की बहुत कोशिश करता हूँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैं एंड में हार जाता हूँ उससे। क्यों, अब तू भागना नहीं चाहता? नहीं, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और उनकी मदद करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। तुम टीन के डब्बे हमेशा एक से रहोगे, हमेशा लोगों की मदद करने वाले। मैं अपना वेपन कंप्लीट करके इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा और सबसे पहले मैं तेरा माइंड कंट्रोल करूंगा अपना वेपन कंप्लीट करके। हा, 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 हा। इसके बाद प्लेजर किंग अपने मॉन्स्टर के साथ चला जाता है मुझे हरा के पूरे तरीके से। मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा अगर मुझे उसे हराना है तो। डे 89 से 91 पर मैं अपनी एक और डायमंड की जॉर्ड बनाता हूँ। मुझे उस डायमंड बैच का आखिरी पीस ढूंढना ही होगा। मैं सब जगह ट्रेवल करता हूँ हर बायोम में और मैं देखता हूँ किसी को भी अब मेरी हेल्प नहीं चाहिए। शायद मैंने सब लोगों की हेल्प कर दी है और अब मुझे और किसी के यहाँ पर हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे अभी भी स्ट्रांग बनने के लिए वो बैच चाहिए। और तभी एक एंटरमैन मेरे पास टेलीपोर्ट करता है। तुम कौन हो? मेरा नाम ओमनीची है और मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, तुम कैसे बाकी सबको बचाते हो, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर मैं उसके साथ एंड सिटी की तरफ जाने लगता हूँ। वो बहुत दूर होती है बट मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और मैं वहाँ जाके देखता हूँ एक ऑब्सीडियन गोलम वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहा होता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा होता कि कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है। वो बस वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करे जा रहा होता है और सब कुछ तबाह करे जा रहा होता है। मैं अपनी डायमंड सॉर्ड निकालता हूँ और उससे बैटल करने के लिए आगे चला जाता
जाता हूँ। मैं चाहता था उसके ऊपर डायरेक्ट क्योर फेंक के उसे क्योर कर सकता था, पर वो मेरे से फाइट ही नहीं कर रहा था। वो इतना ज्यादा बिजी था एंडरमैन्स को मारने में कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैं इन सबको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्योर यूज कर दिया और एंड में वो ठीक हो जाता है। थैंक यू हमारी सिटी को बचाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ थैंक यू के रूप में, प्लीज तुम ये रखो। और वो मुझे डायमंड बैज का आखिरी पीस भी दे देता है, जो कि मेरे पीसेस को एक बैज में बदल देता है। अब मैं डायमंड सिटी की तरफ जा सकता हूँ। डे 92 से 94 में मैं डायमंड सिटी में एंटर करता हूँ। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने अपना जो बैज है वो कलेक्ट कर लिया है और अब तुम अंदर जा सकते हो। आखिरकार और फिर वो गार्ड मेरे को मास्टर गोलम तक लेकर जाता है। इसके आगे तुम्हें अकेले जाना है और तुम्हें अकेले बात करनी है उनसे, तुम जो भी करना चाहते हो। हेलो सर, मैं आपको प्लेजर किंग के बारे में बताने आया हूँ कि कैसे वो पूरी गोलम सोसाइटी को खत्म करना चाहता है, और मैं उनको सब कुछ बताता हूँ जो भी मैं प्लेजर किंग के बारे में जानता हूँ, और मैं उन्हें ये भी बताता हूँ कि हमने क्योर भी ढूंढ लिया है। जो क्योर तुमने बनाया है वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एक बार उसका वेपन कंप्लीट हुआ तो वो हम सब पे वैसे ही कंट्रोल कर लेगा जैसे वो करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये चीज। तुम्हें उसका वेपन कंप्लीट होने से पहले उसे हराना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। हाँ क्यों नहीं, तो हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? अभी से। लेसन 1 में हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे, इसके अंदर मैं तुम्हें अपनी सॉर्ड से हिट करूंगा और तुम धीरे धीरे रिकवर होगे, जिससे तुम्हारा आर्मर और भी ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और फिर वो मेरे पर अटैक करते हैं जिससे मेरा आर्मर टूटता है। उसके बाद वो मेरे को रीजनरेशन पोशन देते हैं जिससे मेरे 5 हर्ट और बढ़ जाते हैं। मैंने तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ा दी है, अब हम तुम्हारा आखिरी टेस्ट लेंगे। तुम्हें मेरे सबसे पावरफुल वॉरियर से लड़ना होगा। अच्छा ठीक है, पर आपका पावरफुल वॉरियर है कौन? वो मैं खुद हूँ। डे 95 से 98 तक मैं अपना फाइनल टास्क करने के लिए जाता हूँ, जो था मास्टर गोलम को हराना। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुमसे लड़ाई करूँ? तुम्हारी पावर्स चेक करने के लिए हमें फाइट करनी होगी। ठीक है, बट मैं अपना अटैक होल्ड नहीं करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। और फिर हम दोनों एक दूसरे पे रश कर देते हैं और हम दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ये मेरी सबसे ज्यादा इंटेंस फाइटों में से एक थी और मैं बिल्कुल भी आसानी से बचने वाला नहीं था। जो मास्टर गोलम था वो मेरे पर बार बार अपनी जॉर्ड से अटैक कर रहा था एंड शील्ड से खुद को डिफेंड कर रहा था, तो मुझे उसको मारने मुश्किल हो रही थी। पर मैं भी अपनी जॉर्ड से उस पर अटैक करता हूँ और उसको डैमेज देता हूँ, और धीरे धीरे करके उसका भी आर्मर टूटने लगता है। और बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैं एंड में उनको हरा देता हूँ और अपने लिए 5 हर्ट भी गेन कर लेता हूँ। अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ और नहीं बचा है। प्लीज तुम ये आर्मर और ये वेपन ले लो, तुम ही हमारी लास्ट होप हो, मैं चाहता हूँ तुम जीतो। फिर मैं उन्हें हर चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। डे 99 को मैं अपने बेस पे रिटर्न करता हूँ और फिर बैटल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ और सबको अपना आखिरी गुड बाय भी दे देता हूँ। और तभी गोजो मेरे पास आता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे फाइट करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सबको सेव करना ही पड़ेगा। ठीक है प्लम्पी, अपना ध्यान रखना। उसके बाद मैं प्लेजर किंग के बेस पर जाना स्टार्ट करता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कुछ प्लेजर आसपास तबाही मचा रहे होते हैं, तो मैं उनसे जाके फाइट करने लगता हूँ और मैं उन सबको थोड़ी देर में पीट देता हूँ। और वो सब एक मैप ड्रॉप करते हैं जो कि उस पैलेस का मैप था जहाँ पर प्लेजर किंग रहता है, और मैं मैप को फॉलो करता हूँ और प्लेजर किंग के महल पे चला जाता हूँ। डे 100 पर मैं उसके पैलेस के अंदर चला जाता हूँ। वहां पर बहुत सारे गार्ड होते हैं जो तुरंत ही मेरे को देख लेते हैं और मेरे पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर मैं अपनी नई जॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सबको पीटना स्टार्ट करता हूँ और वो तुरंत की तुरंत मरने लग जाते हैं। और बस मैं सोच ही रहा होता हूँ, मैंने सबको मार दिया, और तभी बहुत सारे और प्लेजर वहां पे आ जाते हैं। और उन सबको मारने के बाद मैं किंग के थ्रोन की तरफ जाता हूँ जहाँ पर वो बैठ कर मेरा वेट कर रहा होता है। वाह वाह, तो मेरा फेवरेट गोलम यहाँ तक आ गया। तेरे लोगों को परेशान करने के दिन अब खत्म होते हैं। थोड़ी देर में मेरा जो वेपन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि वो खत्म हुआ है कि नहीं। और तुझे ये किसने बोला मैं वो तुझे पूरा करने दूंगा? तूने कभी भी खुद से मुझसे फाइट नहीं करी और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है तेरे को बचाने के लिए। मैं हमेशा तेरे से एक कदम आगे रहा हूँ। और तभी प्लेजर किंग ट्रांसफॉर्म कर देता है एक मेका गोलम में। तो तुझे पसंद आया? मैं इसे कहता हूँ द गोलम चॉपर, और टीम के डब्बे पहले मैं तुझे चॉप करूंगा। और वो मेरे ऊपर अटैक कर देता है और फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है। प्लेजर किंग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, वो मेरे पे बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से अटैक कर रहा होता है, पर मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ अब, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसे पीटने में। मैं उसे बार बार स्लाइस कर रहा था और शायद उसे हरा भी देता, पर तभी वो वहाँ पे फर्नेस गोलम को स्पॉन करने लग जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। खत्म कर दो इसे। वो सब मेरे पर एक साथ अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर मैं इसके लिए ट्रेन पहले ही हो चुका हूँ और मैं उनको रख के पेलता हूँ। और बहुत देर तक फाइट करने के बाद मैं आखिरी फर्नेस गोलम को भी मार देता हूँ और अब मैं और प्लेजर किंग अकेले बचे हैं वहाँ पे। और फिर मैं उस पर अपना आखिरी हिट मारता हूँ और वो वहीं की वहीं ढेर हो जाता है और सारे गोलम उसके माइंड कंट्रोल से भी फ्री हो जाते हैं। यस, मैं जीत गया।